हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम इस बाइक को, इस कार की जो बैटरी होती है उसके साथ कनेक्ट करके आज हम इस बाइक को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हो, यह बाइक की जो बैटरी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस बाइक की जो बैटरी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और दोस्तों जो स्पोर्ट बाइक होती है उसके अंदर कंपनी की ओर से कीक नहीं दी होती है, तो उसे स्टार्ट करने के लिए हमें और एक बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम देखेंगे कि इस कार के जो बैटरी है उसे कनेक्ट करके यह बाइक स्टार्ट होती है या नहीं, वह आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें जो बाइक की जो बैटरी होती है वो बैटरी दोस्तों इस सीट के नीचे होती है, तो हमें सबसे पहले इस सीट को खोलना पड़ेगा। तो मैं इसे खोल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे दो बोल्ट दिए होते हैं जो आपको खोलने पड़ेंगे, तो इसे मैं खोल देता हूँ। दोस्तों यह सीट मैंने खोल ली है। आप देख सकते हैं बाइक की जो बैटरी होती है वो सीट के नीचे होती है। तो इस तरह से हम कार का जो बोनेट है उसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हमने कार की जो बैटरी है और बाइक की जो बैटरी है उसे ओपन कर लिया है। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों कनेक्ट करने के लिए हमें एक जम्पर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मेरे पास जम्पर केबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपको एक जम्पर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस जम्पर केबल से दोस्तों हम इस कार की बैटरी को इस बाइक की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह कनेक्ट करना है। और आपको दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देख के ही इसे कनेक्ट करना है। तो मैं इसे अब कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले नेगेटिव को कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कार के साथ कनेक्ट कर लिया, मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं पॉजिटिव को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले कार की बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अब मैं बाइक की बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों हमने जो कार की जो बैटरी होती है वह बाइक के साथ कनेक्ट कर ली है जम्पर केबल से। अब हम देखेंगे कि बाइक स्टार्ट होती है या नहीं। तो अब हमें स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों बाइक कितनी आसानी से स्टार्ट हो गई है। अब हम जो जम्पर केबल थे उसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको यह देख के इसे डिस्कनेक्ट करना है। जब आपस में मिल जाएंगे तो यह बैटरी को ख़राब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बाइक स्टार्ट हो गई है। आपकी बाइक की भी बैटरी इस तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और आप उसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कार की बैटरी से भी उसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पर। दोस्तों आपको इसी तरह के नए नए वीडियो मिलते रहेंगे।